मस्जिद जुमा मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं आप, मस्जिद जुमा के बिल्कुल सामने ये जो मकाम आपको नज़र आ रहा है पीछे एक सफ़ेद कलर की बिल्डिंग, इस पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये वो मकाम है जिसे सनायतुल वदा कहा जाता है, जहाँ रसूल पाक अलैहिस्सलाम का मदीने में इस्तकबाल हुआ था। बनु नज्जार की बच्चियों ने जहाँ डफ बजा कर तलाअल बदरु अलैना मिन थनियातिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मा दाआ लिल्लाहि दाई, ये नगमा पढ़ा था हुज़ूर अलैहिस्सलाम का, इन बच्चियों ने इस मकाम पर इस्तकबाल किया था। अब यहाँ एक मदरसा मौजूद है, मदरसे की ज़ियारत मैं आपको करवाता हूँ। सामने आप देख रहे हैं ये मकाम था जहाँ मदारिस क़िस्फ़ा असलिया के नाम से एक मदरसा बना दिया गया है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ऊँटनी क़िस्फ़ा के नाम से यहाँ एक मदरसा तामीर कर दिया गया है। यही वो मुक़द्दस मकाम है जिसे सनायतुल वदा के नाम से तारीख़ में याद किया गया है, और बच्चियों ने इसी मकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया था और वो मशहूर अशार पढ़े थे कि हम पर चांद तुलू हो गया सनायतुल वदा के मकाम पर और हम पर शुक्र करना लाजिम है, तलाअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मा दाआ लिल्लाहि दाई। इस मुकद्दस मकाम पर ये इस्तकबाल का मामला किया गया था, आप ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जुमा इसके बिल्कुल सामने है, मस्जिद जुमा से बिल्कुल जब सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये मदारिस अल क़िस्फ़ा मदरसा क़िस्फ़ा आपको नज़र आ जाएगा।